सो हेलो गाइस, और सब बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस हेडसेट विच इज़ लाइक दिस हेडसेट, इट्स स्कल कैंडी पुश और यू कैन से दैट ट्रूली वायरलेस हेडसेट्स। सो आज मैं इसके बारे में रिव्यू करने वाला हूँ, इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको कि ये हेडसेट कैसे हैं और कितने के मिलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसको मतलब यूज़ करना, मतलब दोनों साइड बटन है तो उसे यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है स्कल कैंडी का हेडसेट जो कि अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, जो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। इसको हार्डली हुए होंगे एक महीने। बेसिकली पहले आपको मिलता है ये बॉक्स पैकिंग के अंदर, ये यूएसबी केबल और ये टाइप सी केबल है, आप देख सकते हैं ये टाइप सी केबल है। टाइप सी केबल से चार्ज होता है। यहाँ पे इसका चार्जर है टाइप सी का, आप देख पा रहे होंगे ये टाइप सी है। यहाँ पे इसका बटन है जो कि एलईडी इंडिकेट बैटरी को परसेंटेज बताता है जो इसमें परसेंटेज कितना बचा है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह के तरीके से दिखता है एंड ऊपर से ये लाइक स्कल कैंडी है, आप देख पा रहे हैं, एंड नीचे से कुछ ऐसा ही लिखता है। तो ये बिल्कुल थोड़ा मतलब लुक इसका बॉक्स का मेरे को लुक इतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ ईयरबड्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। सो बॉक्स जो है कुछ इस तरह के इस तरीके से खुलता है, आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो है दो हेडसेट मिलते हैं ऐसे, ऊपर एक कुशन लगा हुआ है स्टेप करने के लिए, आपको खोलने के लिए। इसमें कोई मैग्नेटिक मैकेनिज्म नहीं है, आपको खोलने के लिए इसका बटन प्रेस करना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से ये आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही ये बॉक्स से निकलते हैं ईयरफोन्स, आप देख सकते हैं ये ऑन हो जाता है। बॉक्स से निकलते के साथ ही, इसके केसिंग के साथ निकलते के साथ ही ये ऑन हो जाता है, और जैसे ही आप इसके केसिंग में इसे डालेंगे ये ऑफ़ भी हो जाते हैं। तो ये ऐसे बंद हो जाता है और केसिंग में ये चार्ज भी होता है। तो आपको बता देता हूँ क्या है इसमें। तो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, आप देख सकते हैं ये नहीं गिर रहा है बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो लाइक ये मैग्नेट इसका बहुत अच्छा है, ये गिरता नहीं है, ठीक है। और ये इसका है। सो अब मैं इसे निकाल के दिखाता हूँ। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके का मैकेनिज़्म, जिसमें आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके जो है बड्स हैं जो कि जैसे चार्ज करता है, ठीक है। यहाँ पर लेफ़्ट राइट भी लिखा हुआ, राइट एंड लेफ़्ट का। तो ये प्रॉपरली एकदम इसमें स्टक हो जाता है, तो इट्स काइंड ऑफ वेरी गुड थिंग। ये जो हेडसेट है आप ये देखो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। दोनों तरफ बटन है इसके, ठीक है, दोनों तरफ स्कल कैंडी की ब्रांडिंग है। एक में नंबर वन लिखा है, एक नंबर टू लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे ये नंबर वन एंड नंबर टू। जो नंबर वन है आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट है और नंबर टू राइट है। और यहाँ पे इसका लाइक ये इसके अकॉर्डिंग लाइक ये कान में अटकता है और कान के शेप में आता है, और इस प्रकार का इस तरह का इसका ईयरबड है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। सो लाइक पहले इसको जब हम लगाते हैं तो पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको लगाने में, आपको समझने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि इसको कैसे लगाएं एंड क्या, क्योंकि मेरे को भी कम से कम दो दिन लगे थे इसको अडेप्ट करने पे। तो फिर उसके बाद एक दो दिन बाद आप इसे सीख जाएंगे कि आपको इसे कैसे लगाना है, ठीक है। मैंने इसे लगा लिया है, आप देख पा रहे हैं इसको मैंने इसे लगा लिया है। इसका 6 आवर का बैटरी बैकअप है, 6 आवर ये बैटरी बैकअप मतलब स्कल कैंडी ने बोला है, तो ऑलमोस्ट कंटिन्यू 6 आवर ये चल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, तो कंटिन्यू 6 आवर चल जाता है। तो इसमें ये चीज़ खासियत है, आप बता वो देख सकते हैं कि 6 घंटे चल जाता है। एंड विद दिस केस ये जो है इसमें एक और आपको चार्जिंग प्रोवाइड कर देता है, मतलब कि यानी कि 6 घंटे वैसे अगर आप चार्ज करेंगे 6 घंटे ये बॉक्स चार्ज कर देता है, तो यानी कि आपको 12 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है दो बार। ये डब्बे से बाहर निकलता है तो ये ऑलरेडी पेयरिंग मोड पे आ जाता है, पेयरिंग मोड कह रहा हूँ, ऑलरेडी ऑन हो जाता है। अगर आपके डिवाइस में ऑलरेडी पेयर्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा, एल्स इसको आपको बटन को दबा के रखना पड़ता है, ठीक है। जो राइट साइड वाला बटन होता है उसको दबा के रखना पड़ता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है फिर ये पेयरिंग मोड पे आ जाता है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड को दो बार दबाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेफ्ट साइड को दो बार दबाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। एक प्रॉब्लम यह है जैसे कि ब्लूटूथ एप्पल के एयरपॉड्स में
जैसे ही आप उसके फ्रेम से निकालते हो तो फ्रेम से निकलते के साथ ही वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, बट इसमें क्या है मिसकोऑर्डिनेशन हो जाता है। तो हमें 12 सेकंड तक ऑफ करने के बाद 12 सेकंड तक हमें इसे 12 सेकंड तक दबा के रखना पड़ता है, फिर ये आप कह सकते हो सर ये रिस्टोर मोड में जाता है, फिर दोबारा दूसरे से पेयर होता है, फिर आप दोबारा से पेयर कर सकते हो। सो ऑल दो जितने भी इसके फीचर्स हैं सब इसके इसके बटन्स में ही हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब और ना इसमें कोई टच कंट्रोल है, ना ही जब ये कान से निकलता है तो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है इसमें। तो अब मैंने इसमें गाने वगैरह सुने तो गाने वगैरह सुन के मेरे को इसकी आवाज़ में कोई लैगिंग नहीं लगी, जैसे कि और ब्लूटूथ डिवाइस में देखा होगा बीच में स्टक हो जाता है, बात करते करते प्रॉब्लम हो जाती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई लैगिंग नहीं है। वॉइस क्वालिटी अच्छी है, 10,000 के अकॉर्डिंग वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको इसमें गाने पॉज करने हो तो कोई से भी बटन को एक बार दबा देंगे तो गाने पॉज हो जाएंगे, कोई से बटन को एक बार दबा देंगे तो गाने प्ले हो जाएंगे। एंड अगर आपको ट्रैक चेंज करना है, अगर राइट में अगर 3 सेकंड आप दबा के रखेंगे तो ये गाना फॉरवर्ड हो जाएगा, अगर लेफ्ट में आप 3 सेकंड दबा के रखेंगे तो गाना ये बैकवर्ड हो जाएगा। सो ये जो है जो फुल कंट्रोल है इसका बटन्स में ही होता है, इसके अलावा कोई नहीं है। और इसमें जैसे कि अगर आप इसे 5 सेकंड दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाता है, बट आपको लेफ्ट साइड वाला दबा के रखना पड़ेगा क्योंकि जो मेन फंक्शनल इसमें ईयरपीस है वो आपका लेफ्ट साइड वाला है। जैसे पेयरिंग मोड पे आपको उसको लेके आना है तो पहले इससे आपको आपको ऑन करना पड़ेगा दोनों को, फिर 7 सेकंड में जब आप लेफ्ट साइड वाला दबाएंगे प्रेस करके रखेंगे तब जाके ऑन होता है। बट द थिंग इज अगर आप 5 सेकंड दबा के छोड़ देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये एक मिस कोऑर्डिनेशन है इसमें, ऑल दो आवाज इसकी अच्छी है, बैटरी बैकअप इसका अच्छा है, बट ये कुछ काइंड ऑफ मिस कोऑर्डिनेशन है जो कि स्कल कैंडी को उसे सही करना पड़ेगा उसके नेक्स्ट वेरिएंट में। कैंडी ने हमें लाइक ऑफिशियल साइट में जब मैंने इसके रिव्यू देखा था उसमें ये भी लिखा था कि ये थोड़ा वाटर प्रूफ है, सो मेरी बस की तो है नहीं सो चेक करना कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं है, बट स्कल कैंडी क्लेम करता है ये स्प्लैश प्रूफ और वाटर प्रूफ है। एंड इसमें जो है ब्लूटूथ 4.2 है जो कि लेटेस्ट ब्लूटूथ है, ठीक है। लाइक इसका बटन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, कभी कभी पहने हुए कभी आपने गलती से हाथ मार दिया या कुछ हो गया तो गाना पॉज हो जाता है, कभी कभार कान से निकल भी जाते हैं। ये परफेक्टली फिट नहीं है मेरे को, बट मे बी आपको हो सकते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि जब आप कॉल पे इससे बात करते हैं तो आपको एक ही कान में आवाज़ आता है, दूसरे कान में आवाज़ नहीं आती। म्यूज़िक आपके दोनों कानों में आते हैं बट आवाज़ आपको सिर्फ एक ही कान में आती है, तो ये एक प्रॉब्लम मेरे को मेन लगी इसमें। एंड पता नहीं ये मेरे साथ है सबके साथ है, मैंने बहुत सारा रिसर्च करा बट मेरे को ऐसा कोई आंसर नहीं मिला इसके बारे में, बट मे बी ये सभी के साथ हो। अगर मेरे साथ है तो लाइक आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। तो कोई सेंसर्स नहीं है, जैसे कि एप्पल की एयरपॉड्स पर आपने देखा होगा कि अगर जैसे कान से निकलते हैं गाने पॉज हो जाते हैं, तो ऐसी कुछ सेटिंग्स हैं उसमें, बट इसमें नहीं है ये, जो कि ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है अगर मैं देख रहा हूँ अपनी नज़र से। तो ऊपर से कान से थोड़े बाहर भी निकले रहते हैं, थोड़े बड़े भी हैं। सो 10,000 के अकॉर्डिंगली मेरे को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगे। अगर आप 10,000 खर्च कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2-3 हज़ार पे और लगा के आप एप्पल के एयरपॉड्स ले लो। जो है केसिंग भी जो है इसकी वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है एप्पल एयरपॉड्स से, तो अगर इन्होंने केसिंग बड़ी दी है तो ये भी कर सकते थे, थोड़ा बैटरी जो है 2-3 बार चार्ज हो जाती है, बट इसमें ये चीज़ ख़राब है। बट ऑल्दो इसकी जो बैटरी बैकअप है वो है कम से कम 12 घंटे की, मान लो 6 घंटे एक बार 6 घंटे इसके साथ, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सही है, प्लस पॉइंट है इसमें। ऑल्दो इसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि हम लगाएं कैसे, जैसे कि पहले भी मेरे को 1-2 घंटे लग गए थे इसको लगाने में, फिर मैंने 1-2 बार ट्राई किया, अब ये लग चुका है, मेरे को आदत हो चुकी है, पर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको लगाने में और इसको लाइक करने में। जैसे कि आप देख रहे हैं अब ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो वैसे तो फील अच्छा हो रहा है। तो ये था मेरा लाइक रिव्यू स्कल कैंडी पुश के बारे में और यू कैन से ट्रूली वायरलेस हेडसेट के बारे में, जो स्कल कैंडी का सबसे पहले था जो एयरपॉड्स के कंपैरिजन में आया, ठीक है। तो ये है एक छोटी सी वीडियो स्कल कैंडी के बारे में। अगर आपको लाइक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। एंड तब तक के लिए बाय बाय।